60 कैमरा है, वायरलेस चार्जर। अच्छा, और जब आप इंडिकेटर दे रहे हैं हाँ, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट आ जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या, कैमरा ये? यस। अच्छा, राइट और लेफ्ट दोनों पे आता होगा फिर तो। हेडलाइट वगैरह सब कुछ प्रॉपर मस्त लगता है देखने में ऐसे सामने से, साइड से देखो गाइस। और इसका मुझे लाइट अच्छा लगा, तगड़ा लगा लाइट। एसयूवी का फील चाहिए वो इसमें है, इसमें है। ये सबसे अच्छा मेरे को लगा ये डिजिटल का स्पीडोमीटर, लिटरली बहुत तगड़ा है गाइस। वैलेंटाइन वाले दिन जाते हैं, वैलेंटाइन मनाते हैं, और हम देखो कार ले रहे हैं। देख रहे हो गाइस, अपने को प्यार सबसे ज़्यादा किससे है? गाड़ी, गाड़ी वड्डी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हाथ लिए और दर्शन करते हैं, मतलब पूजा कर लेते हैं रूम में भगवान जी का, फिर आपसे बताते हैं आज क्या है। थंबनेल तो आप देख लिए होंगे क्या सीन चल रहा है। तो गाइस उनको पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है आजकल। ये है मेरे भगवान जी गाइस, ये देखो। तो देखो गाइस, ये है मेरे भगवान जी, पहले दर्शन करते हैं फिर आगे बात करते हैं आपसे क्या करना है आज। तो यार कुछ हो ना हो, अपने को कॉफ़ी ज़रूर चाहिए भाई, कॉफ़ी एडिक्शन हो गया है। कॉफ़ी पीते गाइस, और आप थंबनेल में तो देख ही लियो कहाँ जा रहे हैं, बट अभी पता नहीं कौन सा लेना है, और पता भी चलेगा तो मैं अभी बताएंगे नहीं, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो सरप्राइज रहेगा गाइस। तो वहाँ चलते हैं फिर बात करते हैं आपसे। एक तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है, कटवाना है उसको गाइस। तो गाइस चलते हैं वहाँ पे, लेट हो जाएगा। फ्लैट व्लैट सब बंद करते हैं और अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया गाइस। पानी चाहिए अपने को गर्म, क्योंकि तानसिल हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है इधर। तो पानी पीएंगे गर्म, लेके चलते हैं अपना गर्म पानी। तो फिलअप करते हैं जल्दी से, आइए अपना गैस भरते हैं इसमें। गाइस आए हुए केपी पे, यहीं पे करते हैं कुछ खाते हैं। तो पंजाब जंक्शन से लिए हैं मस्त आपका पाव भाजी, और खाते हैं पनीर पाव भाजी गाइस। सो गाइस आ गया अपना पनीर पाव भाजी, खाते हैं गाइस। देख रहे कितना टेस्टी है यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। फोन कर दिस साइड और बैठे ना सर क्या कर रहा है भाई? अरे उधर गए थे सीएमएट रोड। कहां काम चल रहा है? ये क्या है यार, स्टैंप है स्टैंप। अच्छा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है यार। दो गाइस वहां पे गाड़ी खड़ी है। तो यार आए यहां पे चाय पीने भाई के साथ, आ गए अपना चाय। हाँ भैया, दो चाय पीते हैं और फिर आगे दिखाते हैं गाइस। जाए हुए शोरूम हुंडई के, क्रेटा नया वाला देखने, दिखाते हैं आपको नया वाला क्रेटा गाइस। चलते हैं अंदर फिर बात करते हैं। देखा था नया वाला क्रेटा कैसा है, और एक फ्रेंड है उसको भी ट्रायल लेना था, तो हम बोले चलो चलते हैं। तो आओ गाइस आपको दिखाते हैं हुंडई क्रेटा कैसा है आपका। देखो गाइस वो अपना क्रेटा कल करेंगे ट्रायल, आज टाइम हो गया है, तो फ्रेंड बोला कल ही बुला के करवाते हैं गाड़ी का। देख रहे भाई। सो गाइस देखो ये है अपना सोसाइटी, जहाँ पे हम पहले जब कॉलेज में थे रहते थे, गंगा साइप्रस। आज बहुत दिनों बाद आए, चलो चलते देखते हैं यार। देख रहे हो गाइस, पहले हम लोग यहीं पे रहते थे, बहुत मज़ा आता था यार। ऊपर जाने को मिलेगा तो और मज़ा आएगा। अरे हाय, कार मेरी उधर खड़ी होती थी, दिखाता हूँ रुको कार कहाँ खड़ी करते थे। ये देखो गाइस, ये हाँ मेरी कार खड़ी होती थी उधर पीछे, पीछे खड़ी होती थी गाइस। हाँ यहाँ पे हम लोग वॉक करते थे। देखो ये अपना B201, यहीं पे गाड़ी खड़ी करते थे अपनी, बहुत मज़ा आता था यार, पूरा दिन याद आ रहा है। चलो चलते हैं गाइस, बड़ा गुस्सा भी आता है यार। व्हाट्सअप गाइस, यार कल लिटरली लेट हो गया, और 6:30 बजे बाद नहीं मिलता है, तो आज चलते हैं लेते हैं ट्रायल गाड़ी का, फिर बताते हैं कैसा है गाड़ी, और पता हूँ कैसे लग रहा है। 14th February है गाइज, तो 14th February को अपने ब्लैक डे मनाते हैं, ना कि वैलेंटाइन डे। तीन टाइप के लोग आते हैं, एक वैलेंटाइन, एक वैलेंटाइन, फिर एक तीसरे आते हैं ब्लैक डे, जो कि अपन है, इसलिए देखो आज फुल टू ब्लैक पहने। पता ही होगा आपको, जैसे कि आज पुलवामा अटैक हुआ था 14th February को, तो इसलिए गाइज यार देखो प्लीज़ प्लीज़ ये सब लॉन्डी वाला चोचला हटाओ। वैलेंटाइन वैलेंटाइन ये सब फालतू चीज़ है, आज मेन पुलवामा अटैक हुआ, इसके लिए स्टोरी स्टोरी लगाओ भाई, दिल से सल्यूट करो सोल्जर को, ना कि ये सब फालतू चीज़ों में पढ़ो। वैलेंटाइन वैलेंटाइन सब क्या है गाइस, सब फॉरेन का चीज़ आप लोग अपना रहे हो, अपने देश का अपनाओ जो अपनाना है साला, ये सब में क्या रखा है। पहुँचते हैं जल्दी से, लेते हैं ट्रायल, फिर बात होगी आपकी गाइस। मेरे को ऐसा लगता है कि हम पहले से बहुत ज़्यादा मोटे उठे हो गए हैं क्या, मतलब करीब 6 महीने से वर्कआउट वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो ऐसा हमको भी लग रहा है कि मोटे हो गए। तो गाइस अब बताएंगे कि अब देखो हो सकता है बनारस शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर बनारस शिफ्ट हो जाएंगे तो बताते हैं, प्रॉपर अपना होगा स्टार्ट पहले जैसे सब कुछ, अब बताएंगे कि क्यों शिफ्ट हो रहा है, सब कुछ बताएंगे टाइम आने पे।
एक तैयारी का काम चलता रहता है सालों का। लोग वैलेंटाइन वाले दिन जाते हैं, वैलेंटाइन मनाते हैं, और हम देखो कार ले रहे हैं। देख रहे हो गाइस, अपने को प्यार सबसे ज़्यादा किससे है? गाड़ी, गाड़ी वड्डी से। अपना वैलेंटाइन ऐसे ही होता है गाइस। ये देखो कौन सी गाड़ी है पीछे, गेस करो गेस करो। क्रेटा आए भाई, देख देखो यहाँ पे ये भी खड़ी है, अल्काज़ार। रुको आपको दिखाते हैं, ये देखो ये अल्काज़ार अपनी। बट अपने को नहीं पसंद आती गाइस अल्काज़ार। और ये है क्रेटा, टेस्ट ड्राइव लेते हैं फिर बताते हैं कैसी है। देखो ये है अपना क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट, और ये अपने भैया हैं जो अपने को बताएंगे पूरा। तो भैया सबसे अच्छा इसका कौन सा फीचर्स है? एक व्यूलिंग है, 360 कैमरा है, वायरलेस चार्जर। अच्छा, और जब आप इंडिकेटर दे रहे हैं हाँ, आप आपको ब्लाइंड स्पॉट आ जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या, कैमरा ये? यस। अच्छा अच्छा, राइट और लेफ्ट दोनों पे आता होगा तो। और भी इसका नीचे से लेके ऊपर से ले भैया, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ नहीं आप बता दो मेरे को कुछ आइडिया नहीं। सो गाइस देखो ये अंदर का कुछ इंटरफेस क्रेटा आपका, और ये हम चला रहे हैं आपका मैनुअल। यार वैसे गाड़ी चलने में तो बहुत स्मूथ थी, और गियर वेयर शिफ्ट करने में भी एकदम कोई झटका नहीं, एकदम आराम से हो रहा था। बट सीन क्या है कि थोड़ा एवरेज अगर इनसे पूछना था, सुनो एवरेज क्या है इसका। और यार इसका डैशबोर्ड भी बहुत प्यारा लग रहा है। सर मैनुअल 18 क्लैम है, पर आपको सिटी ड्राइव में 13-14 यस। और इस पर एम्बिएंट लाइट भी है ना कुछ ऐसा? हाँ एम्बिएंट लाइटिंग भी। तो कहाँ है मतलब, ये इसके अंदर है? हाँ ये क्या, और इधर कहीं नहीं है ना? अच्छा बस इधर ही है। हाँ और इसका टॉप एंड वेरिएंट जो है ऑटोमेटिक, उसका क्या प्राइस पड़ रहा है? SX ऑप्शनल मैनुअल, मैनुअल और वो ऑटोमेटिक। तो यार ये न्यू क्रेटा टॉप मॉडल ऑटोमेटिक 2024 आपको पड़ रहा है कुछ 25 लाख कुछ रुपए का। तो यार देखो इसका पैनारोमिक सनरूफ कितना मस्त है यार, कितनी बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया देख के। और पैनारोमिक सनरूफ तो आया है, बात ही अलग है यार, ये एकदम छत लग रही है, देख रहे हो? ओपन सनरूफ यार, इसका पैनारोमिक सनरूफ का मैकेनिज्म भी मुझे फास्ट लगा, मतलब देखो जैसे ही उसने बोला तुरंत खुल गया, मतलब टाइमिंग एज कम्पेयर टू किया से बहुत सही है इसका, मतलब गुड है यार। ओके रिपोर्ट गाइस मेरे अकॉर्डिंग। गाइस सबसे अच्छा मेरे को लगा ये डिजिटल का स्पीडोमीटर, लिटरली बहुत तगड़ा है गाइस, देख रहे हो बहुत तगड़ा है। इसका क्या भैया पड़ेगा ऑन रोड ये? 20,89,000 इंजन परफॉर्मेंस पहले से कैसे बेटर हुआ भैया? कम है अभी फिलहाल। अच्छा कुछ भी आता नहीं इसमें। अच्छा ऐसा है। सो गाइस यही सीन हो रहा है। अच्छा ये है बता देते क्या? ओ यहाँ पर भी है। ओके अभी से। सो गाइस मैं ये भैया से पूछ रहा था कि किया सेल्टोस अच्छा है कि क्रेटा अच्छा है दोनों कंपैरिजन में, बिकॉज क्योंकि क्रेटा और ये सेल्टोस दोनों एक ही रेंज में है, और देखने में तो सेल्टोस भी अच्छा है। सेल्टोस भी सर गाड़ी अच्छी है, और क्रेटा भी अच्छी है। क्रेटा भी अच्छी है ना? हाँ। वो सेल्टोस क्विट दिखती है और ये कड़क में दिख रही, मतलब हाँ। आपके ऊपर है कौन सा गाड़ी आपको लेना है। वैसे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है सेल्टोस में, इंजन भी सेम ही है। अच्छा दोनों का इंजन सेम है ना? गाड़ी यार देख रहे हो यार, चलने में तो बहुत अच्छा है गाड़ी नो डाउट, और स्पीडोमीटर तो आए हाय मत ही पूछो। पैनारोमिक सनरूफ भी है, मतलब ठीक है गाड़ी, और लाइट वगैरह भी बहुत तगड़ा है इसका। जैसे किया है कि सेल्टोस की लाइट मुझे नहीं पसंद है उतना, इसका लाइट ठीक ही लग रहा है। जो एसयूवी का फील चाहिए वो इसमें है, इसमें है। मेरे पास एक क्रेटा था भैया पहले, तो वही इसमें सेल्टोस में सीडान वाला फील आता है। अच्छा देख रहे हो गाइस एकदम आवाज़ नहीं है, पेट्रोल में तो एकदम आवाज़ नहीं होता है। और इसका साउंड भी दिखाएगा भैया तो एक बार, बोस के स्पीकर आते हैं, 8 स्पीकर, बोस के 8 स्पीकर है ना उसमें। सिर्फ 6.99 लाख। देख रहे हो गाइस कितना मज़ा आ रहा है। सो गाइस बताओ फिर
कौन सा लिया जाए गाड़ी कमेंट में। आपको बाहर से दिखाते हैं गाड़ी, ये पूरी देखो देखो यार कितना प्यारा लग रहा है गाड़ी सामने से, देख रहे हो गाइस हेडलाइट वगैरह सब कुछ प्रॉपर मस्त लगता है देखने में ऐसे सामने से, साइड से देखो गाइस एक नंबर लग रहा है गाड़ी। भाई को कह रहे हैं ले लो बट बोल रहा है कि भी किया सो एल्टोस देखेगा दोनों में उसको ही एक लेगा। ये देखो गाइस कैसा लग रहा था, तगड़ा है ना, वाओ इसका मुझे लाइट अच्छा लगा, तगड़ा लगा लाइट। चलो फिर अंदर चलते हैं। सो गाइस बताओ फिर, भाई को मैंने बोल रहा हूँ ले लो गाइस चाय लेके आ गए, चाय पीने आपका अमृतपुर चाय उसको दिखाते हैं आपको। गाइस बहुत ही भूख लगा था और पेट में कुछ खा नहीं पाए थे तो अभी हमने ऑर्डर किया है आलू का पराठा खाते हैं गाइस। तो गाइस इतना टेस्टी है तुमको बता नहीं सकते हैं यार, बहुत टेस्टी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे, रोहित बड़े वाले बहुत टेस्टी है गाइस।